गल करांगे किसानों के संघर्ष की, जिस दे विच हुण एक नवां मोड़ आ गया। जी हाँ, 30 किसान जथेबंदियों वालों रेल रोको अंदोलन मुलतवी करन दे फैसले दे विच नवां मोड़ आया ते किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने यह फैसला मनण तों ही इनकार कर दिता है। दस दिए कि जथेबंदी के जनरल सकत्तर सरवन सिंह पंधेर का बयान सामने आया, जिस दे विच उन्होंने कहा कि यात्री गड्डियां की आवाजाई का विरोध जो है उन्होंने जथेबंदी वालों जारी रहेगा। सूबा पदरी बैठक तो बाद जो है कोई भी फैसला यात्री गड्डियां नूं राह देण दे बारे च लिया जाए। केंद्र की मंग नूं मनवाउण लई तरलो मच्छी होए पए ने कैप्टन, उन्होंने निशाना साध्या कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जो ने वो केंद्र दीआं मंगां मनवाउणा चाहुंदे ने, किसानां दे हक विच नहीं ने। तुहानूं दस दईए कि बाकी जो किसान जथेबंदियां ने जिन्हां ने अज मुख्यमंत्री नाल मीटिंग कीती सी, उन्होंने यात्री गड्डियां दी यानी कि पैसेंजर ट्रेनां दी आवाजाई बहाल करन बारे जो है सहमति प्रगटाई है। सोमवार तो रेल ट्रैक खाली करन दी गल कही है, पर किसान मजदूर संघर्ष कमेटी जो कि जंडियाला गुरु रेलवे स्टेशन के उत्ते रेल ट्रैक के उत्ते डटी हुई है 24 सितंबर तो, उसके आगू ने स्पष्ट कर दिता है कि वह बाकी जथेबंदियों वालों जो फैसला लिया गया उन्होंने हाले नहीं मनणगे। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी की एक बैठक होगी, सूबा पदरी बैठक ही की जाएगी, जिस दे विच यात्री गड्डियां नूं राह देण दे बारे विच कोई अंतम फैसला जो है वह लिया जाएगा। फिलहाल दे लई वो अपने जो मंगा ने खेती कानून रद्द करन दी उन्होंने मंग है उसनों लैके रेल ट्रैक से डटे रहेंगे। जड़ियां सत्कारयोग 30 किसान जथेबंदियों ने फैसला किया, वो अपना फैसला आजाद तौर पर कर सकदियां ने तो उन्हें किया होना। साड़ी किसान मजदूर संघर्ष कमेटी वालों ना तो रेल रोको अंदोलन वापस लिया गया तो ना ही असी अपना जिहड़ा पहला फैसला सी भी माल गड्डियां ही कल्लियां चलाउणियां वा, तो हाले तक माल गड्डियां चलाउण दा फैसला वा। जदों असीं अपनी सूबा कमेटी की मीटिंग करांगे दुद्ध च गांह विचारांगे की करना, सो उदों बाद ही आ। सो पर साडा जिहड़ा फैसला हाले माल गड्डियां चलाउण दा ही आ, केंद्र सरकार की अड़ी पूरी तरह जारी आ ते कैप्टन सरकार भी परली पूरी तरह तरलो मच्छी होई पई आ। सो 40 करोड़ रुपया लगता जे ट्रक ला के सारा कुछ असी मुहैया व्यापारियों किसानों सारियां करना हो लग सकता वा, पर उन्हां दी ज़्यादा जोर केंद्र नूं खुश करन ते आ। सो साडी जथेबंदी वालों अजे तक माल गड्डियां चलाउण दा फैसला वा, सो सारयां नूं बेनती आ नोट जरूर कर लैण। सो सुनिया तुसीं सरवन सिंह पंधेर वालों ये ऑडियो मैसेज जो है वो जारी किया गया अपने जो उन्होंने साथी ने उन्होंने वास्ते कि वह किसी भी तरह के नाल जो बाकी जथेबंदियों वालों फैसला लिया गया रेल ट्रैक तो हटने का उसनों नहीं मनणगे, उस तरह नाल डटे रहेंगे। ना ही उन्होंने मुख्यमंत्री से भी निशाना लगाया है कि मुख्यमंत्री भी केंद्र दीआं मंगां मनवाउण दे लई जो है वो बजिद ने। इस बारे होर ज़्यादा जानकारी देने लई साडे सहयोगी मनिंदर सिंह मोंगा साडे नाल जुड़ गए ने। मनिंदर जी, गल की जाए तो कहा जा सकता है कि रेल गड्डियां चलण दे लई सूबे विच होर इंतजार करना पवेगा, तो किसान मजदूर संघर्ष कमेटी की सूबा पदरी बैठक कदों होने वाली है? बिल्कुल गुरप्रीत, देखो किसान मजदूर संघर्ष कमेटी वालों शुरू किया गया रेल रोको अंदोलन जिहड़ा अज 59वें दिन विच दाखिल हो चुके और लगातार पहला जिहड़ा देवीदासपुरे विखे धरना जिहड़ा शुरू किया गया सी, जो उस तों बाद कंडियाला गुरु नेड़ले गहरी मंडी विखे शुरू किया गया। उस तों बाद पंजाब सरकार की अपील नूं मंनदिआं रेल गड्डियां नूं खास करके माल गड्डियां नूं रस्ता देण दी दे मंतव दे नाल जो है वह प्लेटफॉर्म तो रेलवे ट्रैक तो धरना चक के स्टेशन के बाहर लिया गया, पर अज 59वें दिन भी लगातार जारी है और यह ऐलान किया गया कि भावें बाकी 30 किसान जथेबंदियों वालों मुख्यमंत्री नाल बैठक के भरोसा दिता गया कि रेल गड्डियों के नाल माल गड्डियों के नाल यात्री गड्डियों चलाउण की भी जिहड़ी है और रजामंदी अपनी दिती गई है, पर किसान मजदूर संघर्ष कमेटी वालों यह गल साफ कर दी गई है कि जिनी देर तक यह खेती बिल रद्द नहीं किए जाते उन्नी देर तक यह रेल रोको अंदोलन लगातार जारी रहेगा और सिर्फ तो सिर्फ माल गड्डियों में जोड़ा वो चलन की इजाजत दी जाएगी। तो बिना शक लोग आम लोगों की परेशानी का सबब है क्योंकि लगातार 59 दिन हो चुके हैं पंजाब के यात्री गड्डियां माल गड्डियां दोनों तरह की जी रेल गड्डियां ने वो बंद ने और 24 तरीक में जो है वो किसान मजदूर संघर्ष कमेटी वालों अगली जी कोर कमेटी की बैठक की जानी है जिस दे विच अगला प्रोग्राम जोड़ा है वो उसके संबंध में विचार चर्चा किया जाना अगली रणनीति का जो फैसला किया जाना, तो इंतजार रहेगा कि 24 तरीक नूं किसान मजदूर संघर्ष कमेटी वालों अगली की रणनीति तय की जाती है। जी गुरप्रीत।
जी मनिंदर 24 तरीक नूं इन्हां वालों बैठक की जानी है तो बाकी जो जथेबंदियां ने उन्होंने 23 तरीक नूं ऐलान किया कि असी जो है रेल ट्रैक पूरी तरह के नाल खाली कर देवांगे। पहला भी देखा गया सीगा कि किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने बाकी जथेबंदियां वालों वखरा ही रुख जो है अख्तियार किया होया। बिल्कुल गुरप्रीत, जिस तरह तुम दसिया कि बाकी जथेबंदियों वालों 23 तरीक नूं रेलवे ट्रैक जिहड़े आ खाली करन दा ऐलान किया गया, पर किसान मजदूर संघर्ष कमेटी अपना स्टैंड है वो क्लीयर कर चुकी है, अपना नजरिया साफ कर चुकी है कि उन्होंने वालों उन्होंने सत्कार जरूर किया जा रहा है कि बाकी जो जथेबंदियां ने वो अपना अपना फैसला लैन सब विचार बारे आजाद ने, पर किसान मजदूर संघर्ष कमेटी उस फैसले का हिस्सा नहीं बनूगी तो रेल लोगों अंदोलन जोड़ा है वो जारी रखा जाऊगा। हूँ देखने वाली गल होगी कि संघर्ष कमेटी के प्रधान सतनाम सिंह पन्नू जुड़ गए ने फोन लाइन के उत्ते। पन्नू साहब तुहाडा स्वागत है। पन्नू साहब, आखिर जो बाकी सारिया जथेबंदियां मन गई ने रेल ट्रैक खाली करन दे लई तां फिर तुसी क्यों उस ते बजे दो, की वजह है उसकी? हाँ जी, हाँ जी, देखो जो जथेबंदियां फैसला करके आई पहला ही देखो कह रहे थे कि जी केंद्र जी पंजाब की सरकार है वो अंदोलन चलाया है, जितना कल एक डिबेट के उत्ते एक उन्होंने बुलारे ने प्रसिद्ध ने कहा भी असं चला रहे हैं अंदोलन है उन्होंने भी मोहर लगती है उस मोहर लगती है, बाकी केंद्र सरकार के दबाव हेठ यह सारा कुछ पंजाब की सरकार किसानों की बांह मरोड़ के करा रही है तो केंद्र की सरकार भी बांह मरोड़ रही है, इसलिए असं उस फैसले का बिल्कुल हिस्सा नहीं। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਘਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਪੈਸੰਜਰ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਾਇਮ ਰਵਾਂਗੇ। जी जी पन्नू साहब, जिहड़ी तुसी एक पहला गल कह रहे हो कि कांग्रेस के बुलारियां वालों अजिहा किया जा रहा है कि सरकार वालों अंदोलन चलाया जा रहा है, यानी कि तुसी मानते हो कि बाकी थावां ते जो जथेबंदियां बैठियां ने वो सरकार स्पोंसर्ड ने? नहीं, ये देखो ये तो हम अपने आप ही पता लग रहा ना भी जिहड़ा पंजाब के मुख्यमंत्री मीटिंग करके उन्होंने पासे ढा रहा तो हूँ उसके फिर जे लोग कह रहे हैं जहाँ कल उन्होंने कहा भी असं अंदोलन चला रहे हैं तो उत्तर फिर उधर गल जाती है ना, गल कि ना कि लोगों को होर शक पैदा हो रहा ना, लोगों पंजाब के लोगों में शक तो पैदा हो रहा ना जी। जी जी शक तो पैदा हो रहा, पर उन्होंने बिल्कुल फैसले का कोई हिस्सा नहीं, वो याद है जो भी उन्होंने फैसला किया वो अपना कारण सूबे दे लोकां नूं भी दिक्कतां आ रहियां ने, काफी ज्यादा किसानां नूं भी दिक्कतां आ रहियां ने, यूरिया नहीं मिल रहा। हाँ, इहदे देखो जिम्मेवार कौन है, इहदे जिम्मेवार केंद्र दी सरकार है, जदों कोई माल गड्डियां नूं तां दित्ता होया, माल गड्डियां क्यों नहीं भेज रहे, माल गड्डियां दे नाल पैसेंजर गड्डियां दा की मेल, कोई मेल नहीं हैगा, इह सिर्फ केंद्र दी सरकार पंजाब दी नाकाबंदी कर रही है, ਵਾਮ ਰੋੜ ਰਹੀ ਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਹ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਆ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਅੱਜ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੁਛ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜੋ ਦੇ ਕੇ ਟਰੱਕਾਂ ਆਪਣਾ ਟਰੱਕ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਰਾਹੀਂ ਆ ਕਰਾਈ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਕਰਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐ ਲੱਗਣ ਦਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। जी जी पन्नू साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साडे नाल गलबात करने लई। सो सतनाम सिंह पन्नू ने स्पष्ट तौर पर इल्जाम लगाया कि केंद्र दे नाल मिलके जो है पंजाब सरकार काम कर रही है, केंद्र दे इशारे ते काम कर रही है, तो बाकी जथेबंदियों वालों जो रेल ट्रैक खत्म करन दा रेल ट्रैक तो हटन दा फैसला लिया गया उन्हां दी जथेबंदी ये फैसला नहीं मनेगी, वखरे तौर पर 24 तरीक नूं मीटिंग करके इस दे बारे च कोई फैसला उन्हां वालों लिया जाएगा।